एक सीन कर रहा था मैं तो जिसमें मुझे हाथ खोल के शाउट करना था बिकॉज एक बहुत वाइट शॉट था तो उसमें मेरी साउंड साउंड नहीं थी जानी नहीं थी चिल्लाने वाली तो मैंने सिर्फ मुंह खोल के मैं रुक गया और मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैं अपनी ब्रेन को मैंने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया था मुझे ये लगता है कि वो जो पीरियड था उसके अंदर दे वॉज एनर्जी विच वॉज वेटिंग फॉर टू गेट इन टू बैड एनर्जी बैड एनर्जी बैड एनर्जीजॉर्चुनिटीजरिटीज कभी हम उन्हें चांस देते हैं और कभी एनवायरमेंट उन्हें चास्ट देता है कुछ याद है उसके उन दिनों जब कश्मीर में इशूज शु, शुरू हुए थे so I think काफी था हर किसी के लिए अपने स्कूल को जलते हुए देखना मॉर्निंग you know, में uh, स्कूल जाना बट यू नो वेन हाउ कम बैक फायरिंग देखना जो यूजुअल चाइल्डहुड होता है यार बच्चे का उसमें आपका सुपर हीरो होता है सुपरमैन बैटमैन ऑल दीज थिंग्स सो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बचपन से ही क्योंकि आर्मी को देखा है क्योंकि आर्मी पीपल वर ऑलवेज सराउंडेड सो so, मेरे लिए वो बहुत एक यूनिफॉर्म जो थी मेरे लिए बचपन से आई यू टू फील वेरी हीरोइक एंड थिंक वेरी हीरोइक अबाउट दम दोस्तों आज मैं बहुत ज्यादा खुश खुशी क्योंकि मेरे सामने स्वयं शिवजी प्रकट हुए हैं दिस जोक डिस यू नॉट एट ऑल वाई शुड इट

Uh, उनकी एज ग्रुप जो थी बहुत डिफरेंट थी सबकी सो so, जो बच्चे थे छोटे थे यूज टू कॉल मी अंकल यू रियली लुक कूल टीन एज लड़कियाँ थी okay. वो कहती थी यू लुक सेक्सी द द लेडीज वुड कॉल मी कि आप यू नो यू रियली लुक हैंडसम एंड एंड यू अ ग्रेट जॉब और uh, जो ग्रैंड मदर्स होते थे एल्डरली लेडीज ऑफ द फैमिली दूस टू ब्लेस मी सो आई हैड रियलाइज कि मेरी जो फैन बेस है वो uh,

आप एक स्पेशल सोल हो अकॉर्डिंग टू मी और uh, हर पॉडकास्ट के पहले मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ कि इनसे क्या बात करनी चाहिए इनसे क्या नहीं बात करना चाहिए एक्सेट्रा हर किसी ने कहा कि ही वॉज सिलेक्टेड टू प्ले महादेव आप खुद ये मानते हो? पता है जब लोग महादेव को विजुलाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको विजुलाइज करते हैं हाँ, हाँ आप ये जानते बिल्कुल और uh, क्या लगता है इस पूरे आपकी पूरी जिंदगी के बारे में आपको क्या लगता है बेस्ड ऑन दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है आपकी लाइफ का इन टर्म्स ऑफ ये पॉडकास्ट नहीं है मैं मैं शो के बारे में बात कर रहा हूँ आप क्या किस नजरिए से शो को देखते दो से किसी भी सेलिब्रिटी के लिए या किसी भी एक, एक सोशल जो लाइमलाइट के सामने लोग होते हैं आ, उनको एक नॉर्मल आदमी बहुत अलग तरीके से देखता है लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक एक्टर होगा तो उसे कुछ लोग कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनके साथ लोग जिनका ऑटोग्राफ चाहते हैं जिनके साथ कुछ लोग पिक्चर्स खींचना चाहते हैं कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं स्पेशल एक्टर्स होते हैं जिनसे आप सिर्फ मिलना चाहते हो हैं और हैंडशेक करना चाहते हो सो आई फील मैं उस कैटेगरी ऑफ पीपल में आता हूँ और वो कैटेगरी स्पेशल इसलिए होती है बिकॉज हर किसी का उस इंसान के साथ एक डिफरेंट लेवल पे एक कनेक्शन होता है विच कैनॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स सो वो सिर्फ मिलके खुश हो जाते हैं एंड एज फार एज जो ये शो की बात है सो आई थिंक आई वॉज़ ब्लेस्ड ही चोज मी मुझे आज भी याद है बहुत बहुत सालों पहले एक एल्डरली लेडी मुझसे मिलने आई थी और उन्होंने मेरे पाँव छूने लगी तो मैंने कहा रे अरे माता जी आप ये क्या कर रही हैं प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए आप तो मेरी दादी की उम्र की हैं तो उन्होंने मुझसे बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई हक नहीं मुझे रोकने का क्योंकि तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारे पाँव बढ़ रही हूं तुम माध्यम हो तुम कनेक्शन हो तुम मीडियम हो सो so, तुम प्लीज मुझे रोको मत और मुझसे मेरा वो पांच या दस सेकेंड का जो मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है ऑल के साथ उसे रोको मत सो आई थिंक वो एक स्पेशल पॉइंट था मेरी लाइफ में जब मैंने गिव इन कर दिया मैं पूरी तरह से सहमत हूँ माता जी के साथ बताइए so, करना शुरू कर दिया था कि ओके आई एम जस्ट अ मीडियम एंड मेरे को कोई हक नहीं है कि मैं लोगों से ये छीन सकूँ या उनसे दूर रहूँ आप बचपन में शिव के मंदिर जाते थे सो आई एम फ्रॉम कश्मीर आई एम बॉर्न एंड बॉटम इन कश्मीर हम लोग uh, मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ हम, शहजम हमारे में बहुत माना जाता है uh, और uh, अमरनाथ की वजह से हर बच्चा जो होता है लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड होता है जब आप छोटे होते हो सो so, मैंने बचपन में ही मेरे फादर के साथ बहुत छोटा था मैं जब उनके साथ मैंने टेम्पल जाना शुरू कर दिया था कश्मीर में एक शंकराचार्य नाम का एक बड़ा फेमस टेम्पल है सो so, बचपन से एक अलग कनेक्शन रहा है लॉर्ड शिवा के साथ और वो मेरा पर्सनल कनेक्शन मेरे फादर की वजह से रहा है बिकॉज वो एक फर्म बिलीवर थे लॉड शिवा के सो so, या yeah. okay.

बिकॉज कश्मीर में uh, मेरी पैदाइश हुई है हम पले uh, बड़े कश्मीर में ही जी uh, तो uh, जैसे मैंने बताया कि पिताजी की वजह से हम टेंपल जाया करते थे हम uh, उनकी वजह से हम लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड थे ऑब्वियसली मैं छोटा था सो so, इतना कोई स्पिरिचुअल डीप कनेक्शन नहीं था अंडरस्टैंडिंग नहीं थी बट यस yes, क्योंकि हम कश्मीरी ब्राह्मण्स में शिवरात्रि बहुत बहुत बड़ा त्यौहार होता है ईयरली बेसिस पे जिसे हम कश्मीरी में हेरथ कहते हैं सो so, वो जो पर्व होता है वो बहुत ही बहुत ही ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है हर कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली में सो so, उसकी वजह से हमें मालूम होता था कि हेरत आ रही है ये शिवरात्रि का रात की रात है और हमें भगवान की पूजा करनी है और पूरे घर की सफाई होती थी चार पाँच दिन पहले ही सब सफाई होना शुरू हो जाती थी और और क्लीनिंग होती थी एंड देन यू वी यूज टू प्रे सो वी अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डे जब से हम छोटे थे ओके okay. मैं इतने ज्यादा सवाल आपसे इसलिए पूछ पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपका नाम हमारे पॉडकास्ट गेस्ट लिस्ट पर बहुत टाइम से रहा है प्रॉब्ली यू आर वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स पहले चार साल पहले पर okay. पता नहीं क्यों आज ये पॉडकास्ट हो रहा है एट द सेम टाइम एक शब्द उपासना मतलब एक स्पेशल तरह की पूजा और पिछले छ महीने से मैं आ, शिवजी की उपासना कर रहा हूँ एक स्लाइड जो आपने आप शायद वो वॉकिंग एंड आई वाज जस्ट डूइंग इट मैं वहां बैठा हाँ, था हाँ, कुछ हाँ, यो लाइटिंग सो मैं शिव जी की उपासना बहुत ज्यादा कर रहा हूँ एंड आई पर्सनली फील कि उस वजह से आपका ये पॉडकास्ट आज पॉसिबल हुआ है सो आई हैव मोर अबाउट ऑफ फॉर यू क्योंकि आई एम श्योर जो आपने कहा कि एक पावरफुल कैरेक्टर आप निभा रहे थे स्क्रीन पर कहा जाता है कि हर एक्टर का हर कैरेक्टर उस एक्टर को थोड़ा सा बदल देता है right? हाँ. उस कैरेक्टर ने आपको बदला कैसे उस कैरेक्टर की कुछ लर्निंग्स थी जो मेरे लिए Uh, बहुत uh, आने वाले टाइम में मुझे uh, मुझे बहुत फायदा हुआ उन लर्निंग से uh, एक उसमें लर्निंग थी न सम्मान का मोह ना अपमान का भय आई डोंट डिमांड रिस्पेक्ट एंड आई एम नॉट एम्बेरिस्ड इफ यू यू नो शेम मी मुझे आई एम गुना बी न्यूट्रल नथिंग कुछ भी बाहर का शुड नॉट अफेक्ट यू यू हैव टू बी इन योर मेंटली यू हैव टू बी सो स्टेबल कि बाहर की कोई भी चीज़ या बाहर का कोई भी वातावरण आपको अफेक्ट ना कर पड़े वो एंड लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव कि हमारा इस धरती पे पर्पस क्या है लॉन्गर uh, जर्नी में व्हाट इज़ द पर्पस कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो इस पर्पस से भटक जाते हैं uh, हर कोई उस पर्पस से वापस आ जाता है बट उस पर्पस को जानना बहुत ज़रूरी होता है ओके okay. आपका पर्पस क्या है आई गेस वो पर्पज़ जो होता है वो हर सालों में चेंज होता रहता है बिगिनिंग uh, में जब आप छोटे होते हैं वो पर्पज़ होता है एक अच्छा uh, एक अच्छा छोटा, uh, छोटा भाई बनने का बहन बनने का बींग अ गुड सन बींग अ गुड ब्रदर अ गुड फ्रेंड अ गुड सन कल कुछ अब शादी हो जाए तो बींग अ गुड हजबेंड इफ़ यू हैव केयस देन बींग गुड फादर सो ये लाइफ के सारे uh, जो पड़ाव हैं Uh, आपको हर उस पढ़ाव को जस्टिस देना है और उसे अपनी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनेस्टी के साथ निभाना है दैट इज़ बिग अ पर्पज़ विच इज़ नॉट वेर यू हैव अचीव वॉट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ आपने कितने सक्सेसफुल हुए हैं आप प्रोफेशनली मॉनिटरी गेंस आपके कितने हुए हैं वो उतार चढ़ाव लाइफ में चलता रहता है इवेंचुअली सब uh, पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना होता है बट वो जो जर्नी होती है उस जर्नी में एक अच्छा इंसान बनना अच्छे अपने जो आसपास के जितने भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं उनको कंप्लीट जस्टिस देना उनके साथ जो आपका रिलेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके आई पर्सनली फील की एज एन एक्टर हर हर एक्टर को अपनी लाइफ में ना uh, एक लेगेसी बनानी uh, होती है एज एन वो गोल रहता है बहुत सारे लोगों के लिए कि एट द एंड मैं करियर एक लेगेसी होनी चाहिए आई व्यू की आपने ऑलरेडी लेगेसी बना लिया लाइक like बहुत बड़ी लेगेसी बना डू यू फील दैट आपके दिल में नो नो आई फील दैट अभी भी और और है 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 कि और बहुत I mean, कुछ करना है। काम करना काम अच्छा काम करना है काफी चीजें एक्सप्लोर करनी है अभी लेगेसी तो इस बहुत बड़ा शब्द है आई डोंट थिंक मैंने उतना कुछ काम किया है या उतना तीर मारा है कि मैं पिछले जन्म में बहुत काम किया होगा आपने <laughs> ये यू नो आई आई पर्सनली फील ये कभी कभी आपके माँ बाप का आशीर्वाद भी होता है यू नो फोर फादर्स की जो कर्म होते हैं उनकी भुक्ति आगे होती है सो आई डोंट थिंक कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले सकता हूँ जैसे मैंने बताया आई एम जस्ट अ मीडियम यू नो सो आई एम जस्ट वर्किंग एंड ट्राइंग टू डू डू जस्टिस टू माई वर्क ओके कोई ऐसा एपिसोड था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था एज एन एक्टर एज अ ह्यूमन बींग आपको लगा कि यार ये क्या हो रहा है उस सीरीज में हाँ आई थिंक उस सीरीज में एक एक नेगेटिव I mean, when, अभी जब मैं देखूँ हैंड सैक्ट में मैं कह सकता हूँ कि शायद वो नेगेटिव था बट एक जलंधर का एक किरदार था विच वॉज कम्प्लीटली नेगेटिव जो उनका ही अंश था और वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने पर तुला हुआ था सो मे, मेकर्स चाहते थे कि वो अंश तभी अंश लगेगा जब मैं वो दोनों प्ले करूँ सो मैं साइमल्टेनियसली डबल रोल प्ले कर रहा था उस कैरेक्टर के पास बैगेज बहुत था और उन दिनों मुझे इतनी समझ नहीं थी एज एन आर्टिस्ट कितना डेप्थ में जाना चाहिए या कितना नहीं जाना चाहिए था तो मैं उस कैरेक्टर में काफ़ी डीप चला गया था uh, उसमें बहुत ज़्यादा पेन थी बहुत एग्नी थी वो बहुत uh, दुनिया से नाराज़ था जिंदगी से ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं था उसे ज़िंदगी से बहुत शिकायतें थी सो so, उसमें मैं काफ़ी डीप चला गया था बट मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि ये मैं बहुत डीप चला गया हूँ तो मुझे इसमें से बाहर निकलना है मतलब ये जो आपने कहा कि आर्टिस्ट आपको पता रहना चाहिए कि कितना डीप नहीं जाना चाहिए हाँ ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ बट इट मेक आई अंडरस्टैंड हाँ यू शुड गो ओनली गो टू अटन एक्सटेंड उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो उसके रेप्रिकॉशंस डेफिनेटली होते हैं जो फिर वो आपको भी भुगतने पड़ते हैं और मे बी सराउंडिंग्स में आपके जो है उन्हें भी भुगतने पड़ते हैं इट्स नॉट एन ईजी जॉब सो कहीं ना कहीं एक एक्टर को खुद अपने लिए एक लिमिट सेट कर लेनी चाहिए उस पर्टिकुलर एपिसोड के बाद मैंने एक लिमिट सेट कर दिया कि मैं इस हद तक ही जा सकता हूँ उससे ज्यादा डीप जाना माइट नॉट बी वेरी हेल्दी मतलब आपको दुख फील हो रहा था उस एपिसोड के बाद उसकी शूटिंग के बाद नहीं यू आई हैड बिकम है इन लाइफ

तंत्रा uh, प्रैक्टिस किया वो हमेशा हायर रेल् के बारे में बात करता हैं कि ये हमारा फिजिकल रेल्म है आई डोंट नो हाउ मच यू बिलीव इन दीज थिंग्स पर मैं बस आई एम ट्राइंग टू कन्वे इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी तो जहाँ हमारा फिजिकल रेल है वहीं एस्ट्रल रेल होता है और वहीं कॉजल होता है ये हायर रेल्म होते हैं एस्ट्रल रेल्म में हायर बींग्स होते हैं जो बुरे भी हो सकते हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं कहा जाता है कि uh, जितने भी देवताओं की बातें होती है वो सारे के सारे एस्ट्रल रेल में या कॉजल रेल में मोस्टली एस्ट्रल रेल में तो जब आप किसी देवता की पूजा कर रहे हो आप एस्ट्रल रेल से थोड़े से कनेक्टेड हो जाते हो okay. पर अगर आप किसी बुरे एंटिटी को याद कर रहे हो उनका नाम ले रहे हो उनके बारे में सोच रहे हो आप उस बुरे एंटिटी के साथ कनेक्ट हो सकते हो okay. आ, ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात है थोड़ी सी तांत्रिक बात है नहीं, वेल आई बिलीव इन इन एनर्जी एक सीन कर रहा था मैं तो जिसमें मुझे हाथ खोल के शाउट करना था बिकॉज एक बहुत वाइड शॉट था तो उसमें मेरी साउंड नहीं थी साउंड जानी नहीं थी चिल्लाने वाली तो मैंने सिर्फ मुंह खोल के मैं रुक गया ताकि राइटर को वो शॉट मिल जाए कि जहां मैं हाथ खोल के चिल्ला रहा हूं और मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैं अपनी ब्रेन को मैंने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया था Uh, मैंने छोड़ दिया था ऑक्सीजन देना अब सांस नहीं ले रहे थे मैं सांस नहीं ले रहा था वो ड्यूरेशन थोड़ी बड़ी हो गई उस ड्यूरेशन में भाई मेडिकल टर्म में मुझे बाद में पता चला इट इज कॉल्ड सिंकोपी जब आप अपनी ब्रेन को ऑक्सीजन देना छोड़ देते हैं तो ब्रेन आपको छोड़ देती है सो so मैंने brain, मैंने टाइम पीरियड मेरा इतना ज़्यादा हो गया कि आई जस्ट फेल फ्लैट और ब्रेन uh, ने मुझे छोड़ दिया इट वॉज फोर फाइव सेकेंड्स और वट एवर टिल uh, टाइम मुझे कॉन्शियसनेस वापस आई मुझे ये लगता है कि वो जो पीरियड था उसके अंदर दे वॉज एनर्जी विच वॉज वेटिंग फॉर टू गेट इन टू बैड एनर्जी बैड एनर्जी उसी एपिसोड के दौरान ड्यूरिंग दैट पीरियड एज ए सेट आई बिलीव इन एनर्जीज जी गुड एनर्जीज एंड बैड एनर्जीज बैड एनर्जीज आर ऑलवेज वेटिंग फॉर ऑपरचुनिटीज टू एंटर एट टाइम्स वी गिव दम अपॉर्चुनिटीज कभी हम उन्हें चांस देते हैं और कभी एनवायरमेंट उन्हें चांस देता है सो दिस इज़ वट आई वट आई फील फेयर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके आ, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग है बहुत ज़्यादा वही जो मैंने कहा कि आपकी आंखों में ह्यूमिलिटी है और एनर्जी आप आप हर किसी को काम एनर्जी दे रहे हो या आप ऐसे ही हो हाँ मैं ऐसा ही हूँ कभी हम... गुस्सा आता है गुस्सा हाँ आता है देर आर डेज देर आर गुड डेज एंड देर आर बैड डेज okay. गुस्सा आता है जब मे बी चीज़ें सही नहीं होती हैं या आप जिस तरीके का चीज़ चाहते हो उसका आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो थोड़ा बहुत गुस्सा आता ही है इट्स वेरी नेचुरल बैड डेज के बारे में बताओ किस चीज़ पर गुस्सा आता है आई फील की लाइफ कैन बी वेरी सिंपल एट टाइम्स यू नो मुझे लगता है लोग अनफॉर्चुनेटली इसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ये मेरा मानना है मतलब ऑब्वियसली लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकती कि जो कर सकते हो जस्ट से दैट जो आप नहीं कर सकते आप वो मत बोलिए सो so, जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो वहां चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं मतलब प्रोफेशनल वर्ल्ड में हाँ प्रोमिस कर देते दे दे जो भी वो हाँ जस्ट बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट फिर okay. मुंबई okay. it, में आपको हर तरह के लोग मिलते हैं स्पेशली मीडिया में आई थिंक हर इंडस्ट्री क्या हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इमोशनल है आई फील एज कम्पेयर टू अदर्स बहुत है. वो इसलिए मीडिया रिलेटेड सोशल मीडिया भी

हाँ so, hmm. होता है उसे एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी यार एवरीबडी कम्स विद अ बैगेज किसी के साथ कुछ हुआ होता है किसी के साथ कुछ हुआ होता है किसी की लाइफ बहुत स्मूथ रही होती है सो आई गेस एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी सो आई डोंट थिंक हम उसे हम उन्हें जज कर सकते हैं यू कैन जस्ट सपोर्ट देम एंड बी विद दैम इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट बिकॉज हर किसी की कहानी अलग होती है hmm. हम उसकी कहानी को समझने में हम नहीं समझ सकते जी hmm. uh, उसकी कहानी वो जितना भी हमें समझाना चाहे बिकॉज तो उसकी कहानी सिर्फ वही समझ सकता है जैसे मेरी कहानी सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ कश्मीर से मेरा कनेक्शन सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ मैं किसी को भी वो सम... चीज़ समझाने जाऊँ लोग नहीं समझेंगे उसी तरीके से आपका स्परिचुअल कनेक्शन कुछ अलग है आप किसी को भी एक्सप्लेन करने जाएँ वो आप नहीं समझा सकेंगे सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है समझना ओके okay. शो के पहले आपकी लाइफ कैसी थी क्या होता था आपकी लाइफ में मेरी लाइफ में, लाएफ में। सो so, मैं एक्टर uh, ही था उन दिनों भी मैं स्टार प्लस के लिए सीरीज कर रहा था आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं उन दिनों लास्ट सीरीज मैंने चेहरा की थी स्टार uh, प्लस पे uh, तो मैं क्योंकि स्टार के साथ काम कर चुका था स्टार नहीं मुझे उससे पहले भी एक भाभी नाम का एक सीरियल आया करता था उस पर ब्रेक दिया था तो उसके बाद मुझे ये सीरीज मिली थी ओके okay. hmm. आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था तब उन दिनों हाँ क्योंकि कहा जाता है कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले Uh, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ पड़ता है आई डोंट थिंक मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बट आई मीन मैंने कभी कहा नहीं है बट आई थिंक जैसे मैंने बताया आपको उस सीरीज के लिए आई थिंक बिकॉज लॉर्ड से कनेक्शन मेरा कश्मीर से था और बिकॉज मेरे फादर एक फर्म बिलीवर थे सो आई थिंक कहीं वो गिफ्ट था मेरा फादर को मुझे या आपके फादर के लिए नहीं वो मेरे फादर का मुझे गिफ्ट था बिकॉज uh, जिस दिन मुझे इस शो के लिए कन्फर्मेशन आई थी uh, जिस दिन मुझे बताया गया था कि आई बिन दे वॉन्ट मी टू डू दिस एंड दिस इज समथिंग दैट आई बिन कन्फर्म फॉर वो मेरे दैट वॉज द डे आई लॉस माई फादर सो आई फील इट वॉज हिज गिफ्ट टू मी बिकॉज इट कै नॉट बी ए कॉन्फिडेंस सो इसलिए मेरा उस समय आई वांटेड टू गिव इट माय बेस्ट बिकॉज़ आई रियलाइज्ड दैट दिस इज हिज गिफ्ट टू मी यह आपने कभी कहा नहीं है आई डोंट थिंक मैंने कभी कि किसी से इस बारे में जिक्र किया है क्यों एज आई सेड कुछ चीजें बहुत पर्सनल होती हैं आपकी आई रियली अप्रिशिएट कि आप शो पर uh, ये बात कह रहे हो हां सो आई थिंक मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि शायद आप मेरे इमोशन को समझ सकते हैं सो so, तभी वो चीज बाहर आती है एज आई सेड कि मेरे लिए वो चीज़ बहुत स्पेशल थी सो आई थिंक जैसे आपने माइंड के बारे में पूछा था सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव माई बेस्ट सो उसके बाद मैंने उस समय ब्लिंकर्स लगा के आई जस्ट पुट माई हार्ट एंड सोल इन टू दैट पहले के कुछ एपिसोड्स थे आ, वो आप एक पेनफुल प्लेस से कर रहे थे नहीं बिल्कुल भी नहीं

बिकॉज उन्होंने ही मुझे छोटी सी उम्र में एक बेल पत्र पकड़ाया था एन यूज बी टू दू द टेम्पल विद मिल्क और जब वो गए उन्होंने मेरे हाथ में फिर से ये चीज़ थमा दी सो so एक साइकिल मुझे फील हुई हैज़ कम बैक टू मी सो आई वॉन्टेड गिव माई बेस्ट उनके बारे में कुछ बताइए वेल माई फादर वॉज अ डॉक्टर ही वॉज डॉक्टर अ गवर्नमेंट डॉक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर सो बहुत ही uh, बहुत ही सिंपल uh, इंसान थे बहुत ही ऑनेस्ट uh, इंसान थे uh, उन उन दिनों आई थिंक मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते थे गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स उनकी uh, जो जो वर्किंग आवर्स होते थे बहुत आई थिंक एम नॉट रॉन्ग सिक्स सेवन आवर्स या बहुत कम होते थे इतने लंबे नहीं होते थे सो so, उन दिनों काफ़ी डॉक्टर्स जो थे उसके बाद uh, प्राइवेट प्रैक्टिस भी किया करते थे टू अर्न समस्ट्रा बक्स बट माई फादर नेवर डिड दैट तो वो कहते थे नहीं मुझे uh, नहीं करना ये बिकॉज आई एम डेडिकेटेड टू दिस पीरियड एंड मेरा जो काम है वो ये वर्किंग आर्ट्स है एंड आई विल फुलफिल सो आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट फर द सेक ऑफ मनी गो एंड वर्क टू अर्न मोर मनी

सो so आई थिंक काफ़ी टफ टाइम था हर किसी के लिए सो so हमने भी वो टफ टाइम्स देखे हैं क्या याद है आपको आई I मीन mean, सब कुछ याद है वो मेमोरी आपकी जाती नहीं है यू you नो know, uh, अपने स्कूल को जलते हुए देखना आई सेड यू नो ये चीज़ें बहुत बहुत पर्सनल होती है आई डोंट थिंक कोई समझ सकता है इन चीज़ों को अपने स्कूल को जलते हुए देखना यू नो मॉर्निंग में स्कूल uh, जाना बट यू डोंट नो वन हाउ विल यू कम बैक यू नो एंड फायरिंग देखना uh, जो यूजुअल चाइल्डहुड होता है बच्चे का उसमें आपका जो सुपर हीरो होता है वो uh, या तो बहुत लोग होते हैं होते हैं भाई सुपरमैन बैटमैन ऑल दीज थिंग्स सो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बचपन से ही क्योंकि आर्मी को देखा है क्योंकि आर्मी पीपल वर ऑलवेज सराउंडेड सो so, मेरे लिए वो बहुत एक यूनिफॉर्म जो थी मेरे लिए बचपन से आई यू टू फील वेरी हीरोइक हीरोइक एंड थिंक वेरी अबाउट उस वजह से मेरा लगाव जो है यूनिफॉर्म से बहुत ज्यादा है तो इसलिए मैंने यूनिफॉर्म वाले किरदार जो है वो बहुत निभाए हैं आप लगते भी हो सोल जाए <laughs> so, मैं कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता हूँ छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी जब जहां भी मुझे यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलता है ये आपका बचपन का सपना है इन अ वे हाँ नहीं इट्स क्रेजी तब उन कैरेक्टर्स के लिए आपके अंदर की अग्रेशन निकल के आती है थोड़ी सी नहीं नहीं नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल नहीं उस... okay. thing, हर कैरेक्टर के लिए अलग से अलग अलग स्टोरी जो जैसे भी 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 डायरेक्टर चाहेंगे जो जो लिखा हुआ होगा लिखावट लिखा होगी वो चीज बहुत अलग है ओके okay. बचपन का कुछ इफेक्ट रहा आपके एक्टिंग करियर पे क्योंकि कहा जाता है कि सबसे जो बेस्ट एक्टर्स होते हैं उन्होंने हमेशा मुश्किलें देखी हुई होती है बचपन में या तो कॉलेज में कुछ ना कुछ हुआ होता वेल well, हो सकता मैं इस मैं इस चीज़ को काफ़ी मानता हूँ जैसे मुझे एक्टिंग में सबसे ज़्यादा किसी भी लैंग्वेज में मुझे आ, इतनी तकलीफ नहीं होती अब मैं जब हाइंड साइड में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि जब मैं कश्मीर में था तो मेरा थर्ड लैंग्वेज हमारी उर्दू होती थी तो मेरे दादाजी मुझे उर्दू पढ़ाते थे फिर जब मैं जम्मू आया तो मेरी संस्कृत थी तब मैं संस्कृत पढ़ता था फिर जम्मू में आया तो वहाँ पर डोगरा कल्चर बहुत माना जाता है तो बिकॉज मैंने अपना काफी ज्यादा वक्त जम्मू में बिताया उस वजह से मैं काफी फ्लुएंट था डोगरी में जो मुझे पंजाबी बोलने में हेल्प करता था सो so, ये चीजों ने मुझे बहुत हेल्प किया है टू प्ले डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आपने दुनिया देखी है थोड़ी बहुत बहुत थोड़ी नहीं बहुत 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 क्यों कह रहे हो वेल आई गेस जब आप एक सात आठ साल के बच्चे होते हैं और आप एक सड़क पर खड़े होते हैं और आप अपने एक पेरेंट के साथ होते हैं और सामने आपका सिबलिंग दूसरे पेरेंट के साथ होता है और बीच में फायरिंग हो रही होती है तो आप समझ जाते हैं कि आपने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है और जो यूनिफॉर्म वाले लोग हैं वो सामने वाले लोगों से फायरिंग करके लोगों को बचाना चाह रहे हैं सो वो यूनिफॉर्म वाले लोग जो हैं वो सिविलियंस की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें बचाने के लिए मगर सिविलियंस के माइंड में ये चल रहा है कि अगर यूनिफॉर्म वाले हमारे साथ आएंगे सो जो काउंटर अटैक है वो भी हमारे पे ही होगा सो उस पर ऑफ द मोमेंट में डिसाइड करना कि आप कहाँ जाएं क्या करें तो वो वो चीज़ें लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं उस उम्र में यह सब आप रजिस्टर करते थे कि क्या हो रहा है करना पड़ता था आ, कोई चॉइस नहीं थी मुझे याद है मेरे पिताजी एक नोट बनाते थे एक पेपर पे और एड्रेस लिखते थे घर का वो हमारे एक सॉक्स में डाला जाता था और दूसरे वाले सॉक्स में एक रुपये या दो रुपये का नोट डाला जाता था आ, कि अगर आते समय स्कूल से हम गुम हो जाए तो एटलीस्ट हम किसी को बोल सके कि भाई हमारा ये पता है और ये लोग हमें पहुँचा दो सो आई थिंक जब आपने बचपन में वो टाइम देखा हुआ होता है सो आई थिंक कहीं आपके पास लाइफ में एक, एक डिफरेंट परस्पेक्टिव हो जाता है जो एक larger में आपको हेल्प करता है वही जो मैंने कहा कि आपकी आंखों में बहुत न्यूट्रैलिटी है आई फील इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है आपके बचपन का आपने डेफिनेटली मेगा सक्सेस देखा पर आपने वो फेज भी देखा जो आपकी जान खतरे में थी हाँ कि आपकी जान कभी खतरे में थी डायरेक्टली ऐसी कोई सिचुएशन थी पहले well, ऐसी तो बहुत चीज़ें होती थी बट बिकॉज वहाँ पे अटैक्स जब शुरू हो गए थे तो बहुत सारी चीज़ें थी यू so, नो you know, हम एक बार स्कूल से वापस घर आ रहे थे तो हमें पता चला कि हमारा घर जो है आर्मी ने टेक ओवर कर लिया बिकॉज एक सामने वाले बिल्डिंग में कुछ इंसर्जेंट्स कुछ लोग थे जिनकी जिन पर अटैक हो रहा था आप जिस घर में रहते थे हाँ बिकॉज आर्मी को लगा कि उस घर से ही एक बेटर व्यू मिल सकता है या बेटर अटैक हो सकता है सामने वाले पे सो दे केम एंड दे टुक ओवर सो ये जब आप सब कुछ बचपन से ही देखते हैं तो आई थिंक आप आप लाइफ को एक बहुत डिफरेंट परस्पेक्टिव से देखते हैं क्या है वो परस्पेक्टिव एग्जैक्टली द सेम द टू अंडरस्टैंड द लार्जर गोल टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द ईच रिलेशन प्रोग्रेसिस आई एम फुलफिलिंग राइट नाउ

मुझे मालूम था ये इट्स अ फेज इट विल पास मुझे मालूम था इट विल पास मुझे आज भी याद है वो उन दिनों बिकॉज मेगा सक्सेस हुई थी तो बहुत सारे बहुत पैसे भी आने लग गए थे तो मुझे अब एक गाड़ी खरीदनी थी तो मैंने एक बड़ी एक बड़ी मीडियम सी गाड़ी खरीदी तो मुझे बहुत सब लोगों ने बहुत बहुत बहुत, बहुत कहा कि अरे वट इज रॉन्ग विद यू तुम ये क्या कर रहे हो तुम तो इसके पाँच गुना बड़ी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो तुम ये गाड़ी क्यों ले रहे हो तुम ये नहीं ले सकते यू नो तुम्हारे से जूनियर के पास इससे बेटर गाड़ी हो अगर होगी तो तुम्हें लोग किस नजरिए से देखेंगे मैंने तो मुझे उसी समय समझ में आ गया था कि यार अगर कोई मुझे मेरे व्हीकल से जानने वाला है सो मुझे उसको उसको बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है भाई आ, मैं बचपन के बारे में बताता हूँ <laughs> ये आपको कहना चाहिए हाँ तो आई थिंक वो आपका एक पर्सपेक्टिव ही लाइफ को बदल जाता है पूरा ओके मैं थोड़ा सा ब्लैंक हूँ अभी क्योंकि आपने बहुत हैवी चीज़ कह दी ये सब अपने बचपन के बारे में आई एम आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप शो पर ये सब कह रहे हो यू आई हैव नो काम्स एज लॉन्ग एज द आई अंडरस्टैंड द पर्सन लिसनिंग टू वैल्यू इट और ही अंडरस्टैंड इट तो मैटर करता बिकॉज ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत आपके लिए बहुत ही प्योर होती हैं बहुत पायस होती हैं वो उन्हें बाहर करना uh, उसके लिए एक पर्सनैलिटी चाहिए होती है जो उस चीजों को समझ सके सो आई फील यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स कुछ पॉडकास्ट मैं ऑडियंस के लिए नहीं करता मैं खुद के लिए करता हूँ ये उनमें से एक है जस्ट मुझे बस आपसे बात करनी थी जनरली oh. सो so, जो क्वेश्चन अंदर से आ रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ आपको आई डोंट नो आई एम क्रॉसिंग अ लाइन या Not मैं बहुत ज्यादा no, महादेव it. के कैरेक्टर को हाईलाइट कर no, रहा हूँ पर ये मेरे जेन्यून सवाल है आपके लिए uh, और इस मोमेंट को मैंने बहुत ज्यादा विजुलाइज किया है आई डोंट नो आई ऑलरेडी सेड दैट बट बहुत hmm. ज्यादा विजुलाइज किया कि मैं एक दिन आपसे बात करूंगा लाइक बचपन में जब शो एकदम पीक पे था लोग कहते थे एक दूसरे को कि आपने वो शो देखा उसमें जो एक्टर आते हैं उनको देखकर सच में लगता कि शिवजी है शिव जी है मतलब अबाउट योर सोल जो शायद आप भी नहीं जानते और मैं जानने की कोशिश करूं इसलिए आपसे आपके बचपन के बारे में पूछ रहा हूँ no, वो, वो, वो हमारे हाथ में नहीं होता वो मेरे हाथ में कभी नहीं था आई थिंक द अस टू टू डू ऑल दीज थिंग्स थिंको पॉडकास्ट के एंड तक पहुंच चुके हैं आपने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ ऐसी ही बातें होंगी नहीं मैं मैं बिल्कुल ब्लैंक नो एक्सपेक्टेशन नहीं थी ओके okay. बस एंड में जनरली मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा आपने इतनी ऐसे आपने बिग ब्रो एनर्जी दे दी हाँ खुल के बात करी तो uh, बहुत सारे लोग खुल के बात नहीं करते पॉडकास्ट पर आई डेंट अ लॉट अबाउट योर कैरेक्टर टुडे तो अब uh, और ये मैं महादेव के बारे में बात नहीं करूँ आपके बारे में बात करूँ एज मोहित ना अब मुझे समझ आया कि आपको वो अपॉर्चुनिटी क्यों मिली सो जस्ट थैंक यू सर आई एन्जॉयड लिसनिंग टू यू आई एन्जॉयड अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड हुड ये मैं जानना चाहता था आपसे एंड uh, में मैं बस आपको फ्यूचर के बारे में पूछना चाहूँगा क्या अभी आपके दिल में क्या है जो आपने कहा कि अम्बिशन अभी भी है Well, दिल में बहुत कुछ है बहुत एज आई सैड कि मुझे आई हैव टू बी अ बेटर फादर आई हैव टू बी अ बेटर हस्बैंड प्रोफेशनली आई हैव आई हैव दिस फिल्म कॉलेज के नादान जो अभी जियो पे है uh, वो कंप्लीट हुई है इट्स ऑन जियो नाउ एंड मुंबई डीज मुंबई डायरीज़ एमजोन के लिए एक मैंने सीरीज़ की थी विच वॉज मेडिकल ड्रामा सो इन माई ओन हेड इट वॉज़ फॉर माई फादर बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर तो मैंने वो टेक्निकल एस्पेक्ट उनसे सीखे थे जब मैं छोटा था <laughs> uh, और uh, एक और सीरीज है हॉट स्टार की विच इज बी गोइंग टू बी आउट सून सो प्रोफेशनली गॉड इज काइंड पीपल आर पीपल आर सपोर्टिव दे लव मी एंड आई आई एम जस्ट ब्लेस्ड एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माई बेस्ट एवरी डे